सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एटम्स इन मॉलिक्यूल एक चैप्टर था और स्ट्रक्चर ऑफ एटम दूसरा चैप्टर। इन दोनों चैप्टर्स का थ्योरी पार्ट अभी तक कंप्लीट हो चुका है हम दोनों का, हमारा केमिस्ट्री का, ठीक है, यानी केमिस्ट्री का जो सिलेबस था थ्योरी का वो डन है। और अब बस हमें कमिंग लेक्चर्स में, इंक्लूडिंग टुडेज लेक्चर, हमें जस्ट प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल की एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। हाँ अनन्या मैम, आई विल बी इन दिस क्लास। हाँ अनन्या, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है, डोंट वरी, मैंने रिकॉर्डिंग, मुझे सर ने बता दिया था, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है, ठीक है। ओके मैम। हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, ये इसका पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग के सामने अभी पास एनसीईआरटी है तो फटाफट ले आओ अपनी टेबल पर, ठीक है, उससे देख लीजिए, अदरवाइज मैं क्वेश्चन तो लिखूंगी ही यहाँ पर, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन वॉज फाउंड by analysis to contain this much gram of boron and this much gram of oxygen. Calculate the percentage composition of compound by weight. ये बताओ इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? पहले पढ़ लो आराम से। अनन्या क्वेश्चन का मीनिंग समझाओगी? अनन्या क्वेश्चन का मीनिंग बताओगी? समझ में आया क्या? कौन बताएगा मुझे इस क्वेश्चन का मीनिंग? अभिष्य? ओके। ध्रुव? ध्रुव ओके। रचना, इसका मीनिंग समझ में आया? इसको एक्सप्लेन करोगी? नाइन क्लास हम लोग कनेक्टेड हैं, प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। यस मैम। हाँ ठीक है, कौन बताएगा मुझे? किसी बच्चे को समझ में आया इसका मीनिंग क्या है? कि मैं ही स्टार्ट करूं? तनीषा? हाँ श्योर तनीषा, स्टार्ट। हम इसमें बोला है कि 0.24 ग्राम ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन में 0.096 ग्राम ऑफ बोरॉन होता है और 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो अब इसमें दोनों ऑक्सीजन और बोरॉन का परसेंटेज निकालना है। देखो इसमें ये वर्ड दिया है कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड मॉलिक्यूल या कंपाउंड, ये मैंने आपको कहा था फैमिली होती है, ठीक है, फैमिली ऑफ एटम्स। तो ये कंपाउंड वर्ड लिखा, इसका मीनिंग है कि इट कंटेन्स बोथ बोरॉन एज वेल एज ऑक्सीजन, ठीक है। उस कंपाउंड मींस, कंपाउंड ऐसा होगा बी एक्स ओ वाई, मतलब एक्स और वाई का नंबर मुझे नहीं पता तो मैंने अननोन लिख दिया कि इसमें एक्स एक्स मोल्स ऑफ बोरॉन है या एक्स नंबर ऑफ बोरॉन है, वाई नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, कितना है ये सब मुझे पता नहीं, लेकिन कंपाउंड है। इस कंपाउंड का मास कितना है? 0.24 ग्राम है। इस टोटल फैमिली ऑफ एटम्स का जो मास है वो 0.024 ग्राम है। अब इसको एनालाइज किया गया किसी भी मेथड के थ्रू, ठीक है, नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं कंपाउंड्स की एनालिसिस के। आफ्टर एनालिसिस ये देखा कि अगर हमें बोरॉन कंटेंट की बात करें, ठीक है, अगर मैं बोरॉन कंटेंट की बात करूं बी एक्स की, तो ये होता है 0.096 ग्राम्स सिर्फ बोरॉन कंटेंट, ओके। और ओनली ऑक्सीजन कंटेंट की बात करूं तो वो होता है 0.144 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको बताना है बोरॉन और ऑक्सीजन का परसेंटेज अमाउंट इन दिस कंपाउंड, इस फैमिली में बोरॉन कितना परसेंट है और ऑक्सीजन कितना परसेंट है। तो अब परसेंटेज निकालना आपको आता है और आप लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये एक्स वाई की जरूरत है। यस बिल्कुल,
तो मैं इसको लिखूंगी परसेंटेज ऑफ बोरॉन। प्रॉपर फॉर्मूला से हम लिख लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ बोरॉन अपॉन टोटल मास, ठीक है, मास 40%। यस बिल्कुल, मास ऑफ कंपाउंड, बिल्कुल। एंड ये 40 आ गया तो दूसरे को कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, 100 में से सबट्रैक्ट कर दो, 50%, बिल्कुल, ठीक है। तो ये आ गया आपका 0.096 अपॉन 0.24 इंटू 100, इट इज कमिंग आउट टू बी 40%। और 40% है तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दो 100 माइनस 40 या ऊपर की तरह से, बिल्कुल आप फॉर्मूला बना करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, तो जहां पर भी कंपाउंड वर्ड दिया है, जहां पर भी मॉलिक्यूल वर्ड दिया है, इट इंडिकेट्स फैमिली, ठीक है, फैमिली यानी कि ग्रुप, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम की बात हो रही है, और ग्रुप ऑफ एटम है तो आगे फिर आपको हिंट मिल जाएगा। चलिए इसको कंप्लीट करिए, आई एम राइटिंग क्वेश्चन नंबर 2। ये तो बड़ा लंबा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, व्हेन 3 ग्राम कार्बन इज बर्नड इन 8 ग्राम ऑक्सीजन, व्हेन 3 ग्राम कार्बन इज बर्नड इन 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, मैं ऑक्सीजन को इस तरीके से एटम बना के लिख रही हूँ, ऑक्सीजन, देन 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, देन 11.00 ग्राम्स ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, वॉट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड, वॉट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड will be formed when 3 grams of carbon is burnt in 50 grams of oxygen and which law of chemical combination will govern your answer, which law will govern your answer, ठीक है, तो एक बार पढ़ लो आराम से, फिर मैं किसी से पूछती हूँ। पढ़ लिया, अच्छा ये विजिबल नहीं स्क्रीन हो गया, चलिए कौन बताएगा मुझे, रचना आप ट्राई करोगी? थ्री ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, सो मैम व्हाट what mass of carbon dioxide will be formed if 3 gram of carbon will be burnt in 50 gram of oxygen, and which law of chemical combination we will use in here. तो कैसे सोचोगी, अब कैसे प्रोसीड करोगी इसे? मैम आई थिंक, मैम आई थिंक 50 ग्राम माइनस 8 ग्राम, हाँ 50 माइनस 8 ग्राम इज ऑक्सीजन, राइट? Yes, ma'am. It would be left unreacted. Very good. 42 grams of oxygen. Very good. And which law is applicable here? Ma'am, when 3 gram of carbon, it will react with 8 gram of oxygen. Then it will form 11 grams of carbon dioxide. Ma'am, law of conservation of mass. Law of conservation of mass. Just a minute. इसको हम लिख लेते हैं जरा. Carbon plus oxygen forming CO2. Right, so carbon is 3 gram and oxygen is taken 8 grams, hai na? Aur 8 plus 3 11 ho jata hai, so CO2 is forming 11 gram, theek hai, yani ki mass reactant side ka aur mass product side ka, to mass is going to be conserved, theek hai. Now what mass of carbon dioxide will be formed when 3 grams carbon, carbon to 3 grams hai
what mass of CO2 will be formed when 3 grams of carbon is burnt in 50 grams of oxygen? मैम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ना 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 एक मिनट, पहले अपूर्ण मुझे इसका आंसर दो बेटा. यहाँ 3 ग्राम 8 ग्राम के साथ कंबाइन हो रहा है, तुमने 50 माइनस 3 बोला था, क्या बोला था तुमने? मैम 50 माइनस 8. 50 माइनस 8 कैसे बोला? 50 माइनस, ये तो ये 50 ये 8, इनको क्यों माइनस किया? मैम क्योंकि जो 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है एंड देयर इज आल्सो गिवन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. हाँ भाई कौन आंसर देगा इसका? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. अपूर्व एक बार फिर से मुझे आंसर करोगे, CO2 कितना बनेगा? पहले मुझे ये सोच के बताओ बेटा. मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, फाइल टाइम है. हाँ आराम से सोचो, टेक योर टाइम. यस दिव्या. मैम अनन्या. यस स्टार्ट. मैम जो कार्बन और ऑक्सीजन है मैम, उनका फिक्स्ड रेशियो होगा 3:8. ओके तो मुझे ये बताओ CO2 कितना बनेगा यहाँ जहाँ पे मेरा क्वेश्चन मार्क है. मैम विल इट बी मैम 11-3 मैम बिकॉज द मैम जो नया CO2 मिला है अगर उससे हम मैम एक क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, एक सेकेंड. आराम से टेक योर टाइम, पर दिमाग दौड़ाओ अपना, तपस्या ट्राई करोगी. कौन ट्राई करेगा? तपस्या आई एम नॉट गेटिंग यू इफ यू आर स्पीकिंग. आपकी आवाज नहीं आ रही तपस्या, अगर आप बोल रही हैं तो. चलिए दिव्या ट्राई करोगी? दिव्या अच्छा चलो ठीक है मैं बताती हूँ. ऐसा था कि इसको कौन से एग्जांपल से बताऊँ मैं. चलो ठीक है मैं ऐसा था कि एक तुम और एक तुम्हारा ब्रदर, ठीक है कोई भी अपने आप को मान लो, एक तुम हो एक तुम्हारा ब्रदर है. सपोज कि तुम खाते हो 2 चपाती, ठीक है, और एक बोल वेजिटेबल, डेली का तुम्हारा लंच का ये है, और जो तुम्हारा ब्रदर है वो खाता है 1 चपाती साथ में एक बोल वेजिटेबल. अब एक दिन तुम्हारी मम्मा ने क्या कहा कि तुम दोनों आज अलग अलग प्लेट में मत खाओ, तुम दोनों आज सेम प्लेट में खाओ, ठीक है, और मैं आराम से खाना रख देती हूँ, जितना खाना है उतना खाना. तो तुम्हारी मम्मा ने क्या किया, 4 चपाती रखी, ठीक है, और 2 बोल वेजिटेबल के रखे. अब ये बताओ कि जब तुम लोग साथ खाने बैठोगे तो क्या स्टेटस होगा? तुम्हारा जो अपना फिक्स अमाउंट है तुम लोग उतना ही खाओगे, तो तुम 4 में से 2 चपाती तुम खा लोगे और अपना बोल ऑफ वेजिटेबल ले लिया. फिर तुम्हारा ब्रदर आया, उसने 1 चपाती ले ली, एक मतलब जितना तुम्हारी कैपेसिटी है तुमने तो उतना ही खाया, तुम्हारी मम्मा ने जो एक्स्ट्रा रखा वो यहाँ पे बच गया, 1 चपाती लास्ट में बच गई. मेरी बात समझ में आई इस एग्जांपल में? तो ऐसे ही कार्बन था ऊपर वाले पहली वाली इक्वेशन में, रो में देखो जो कार्बन था वो था 3 ग्राम. अब ये 3 ग्राम कार्बन अपने साथ मैक्सिमम कितना ऑक्सीजन खा सकता था? 8 ग्राम खा सकता था, ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आई? तब जाके वो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को बना पा रहा था. अब नीचे क्या किया, कार्बन तो 3 ग्राम ही रहा,
लेकिन ऑक्सीजन को एक्सेस में डाल दिया, लेकिन कार्बन तो उतना ही खा पाएगा ना जितना कि उसकी कैपेसिटी है। क्या वो 50 ग्राम खा जाएगा? क्या वो 50 ग्राम खा सकता है? कितना खा सकता है मैक्सिमम बताओ? मैम जितना ऊपर अमाउंट है 8 ग्राम सिर्फ उतना ही खा सकता है, है ना? उतना ही तो खा सकता है, तो यानी वो तो 8 ग्राम ही खाएगा, बाकी का जो भी एक्स्ट्रा है वो बच जाएगा। तो बताओ कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा सेकंड केस में? 11 ग्राम। ना 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 बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा मैम? 11 ग्राम। 11 ग्राम ही ऊपर जितना ही तो बनेगा। एक कार्बन मतलब 3 ग्राम कार्बन अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन खाता है तो 11 ग्राम CO2 बनाता है, यानी 3 ग्राम कार्बन की कैपेसिटी कितनी है 8 ग्राम ऑक्सीजन को खाने की थी। अब नेक्स्ट केस में क्या किया, 3 ग्राम कार्बन के साथ एक्सेस में ऑक्सीजन भर दी, लेकिन वो एक्सेस थोड़ी ना खा पाएगा, वो तो 8 ग्राम ही खाएगा, और जब वो 8 ग्राम ही खाएगा तो वो 11 ग्राम ही प्रोडक्ट बना पाएगा। तो यहां पर जो अपूर्व ने मुझे कहा था कि 50 - 8 यानी कि 42 ग्राम ऑक्सीजन लेफ्ट, ये बात ठीक है, ये बात अब समझ में आ गई कि जो ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है ये तो बच जाएगा, लेकिन CO2 कितना बना? तुम्हारा क्वेश्चन ये नहीं है कि ऑक्सीजन कितना बचेगा, तुम्हारा क्वेश्चन था कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। तो शुड आई राइट 11 ग्राम ही बनेगा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ो। व्हेन 3 ग्राम कार्बन बर्नड इन 8 ग्राम ऑक्सीजन फॉर्मिंग 11 ग्राम CO2, व्हाट मास ऑफ CO2 विल बी फॉर्मड व्हेन 3 ग्राम कार्बन बर्नड विद 50 ग्राम ऑक्सीजन? समझ में आ गया क्वेश्चन? तो yes, अब बताओ विच लॉ इज एप्लीकेबल हियर, यानी कार्बन की कैपेसिटी फिक्स है, कार्बन अपने साथ फिक्स नंबर को ही अटैच कर सकता है, यानी क्या मैं बोल दूं कॉम्पोजिशन इज कॉन्स्टेंट, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉम्पोजिशन? यस मैम। यस मैम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप यहां पे लिखेंगे लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉम्पोजिशन इज एप्लीकेबल हियर। समझ गए? यस मैम। यस हाँ, चलिए नोटेड डाउन। Meanwhile, I am writing question number 3. Ma'am, I have to leave. My test has started. हाँ हाँ, अनन्या, no problem. You can leave. है ना? I am recording this. Thank you, ma'am. Okay. Now, question number 3rd is, what are polyatomic ions? Ma'am, can I tell? हाँ, बताओ. Ma'am, polyatomic ions contain more than one atom but they behave like a single unit. हाँ, देखो poly, एक होता है mono, दो word होते हैं mono poly, monopoly combine करके तो तुमने सुना ही है, पर ये दो हम अलग अलग ले रहे हैं। mono मतलब single one और poly मतलब more than one, यानी कि more। ठीक है, तो जहां पर भी केमिस्ट्री की दुनिया में पॉली वर्ड यूज होगा मतलब मल्टीपल पार्टिकल के, जो एटॉमिक यानी कि एटम, तो जहां पर मल्टीपल एटम्स हो ऐसे आयन को हम पॉली एटॉमिक आयन्स कहते हैं। तो इसका जो टेक्निकली आप जो डेफिनेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि द आयन विच इज मेड अप ऑफ, क्या लिखे, More than one ion, ऐसा लिख दे क्या? More than one atom and forming a single unit, जो उन्होंने कहा कि है ना a single ion and forming a single unit. Single unit. Yes, it's called as. Yes, ma'am. It's called as polyatomic ions. Example do, bhai. Ma'am, phosphoric acid. अरे acid नहीं, ion पे ion acid नहीं होता कभी भी, ठीक है? तो खाली उसका formula बताओ मुझे। Ion पे charge appear होना चाहिए। जैसे CO3 2 minus.
इट इज कार्बोनेट आयन, इनके नेम भी मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ, PO43-, दैट इज फॉस्फेट. यस, तो जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट में गौर करिए, एक पी है और चार ऑक्सीजन है, ठीक है. तो फॉस्फेट कार्बोनेट में एक कार्बन है, तीन ऑक्सीजन है, तो कार्बोनेट, ठीक है. और कोई एग्जांपल बताओगे? NH4+, बताओ कौन सा आयन है ये? अमोनियम आयन. NH4+, NO3-, नाइट्रेट आयन, एक्सेट्रा. ठीक है, सल्फेट भी आएगा. हाँ बिल्कुल, सल्फेट लिख लेते हैं हम. चलो, SO42-, सल्फेट आयन. और कौन सा बोल रहे हो आप? नहीं बेटा, इट इज नॉट एन आयन. CaCO3 तो एक न्यूट्रल कंपाउंड है. आयन मतलब इट इज हैविंग चार्ज, इट शुड कैरी एनी ऑफ दी चार्ज, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इज न्यूट्रल, इट इज नॉट चार्ज्ड. ठीक है, यस मैम. सो इट इज क्वेश्चन नंबर 3, जस्ट नोट इट डाउन, आई एम राइटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग. Write the chemical formula of the following. इसका मल्टीपल पार्ट है. फर्स्ट इज मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2. अरे रुको रुको रुको, और को भी सोच रहे दो भाई. मैग्नीशियम क्लोराइड एंड इसका सेकेंड पार्ट इज, चलिए यहाँ पे लिखती हूँ मैं, कैल्शियम ऑक्साइड. अभी क्वेश्चन नोट करो, फिर डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है. देन कॉपर नाइट्रेट, देन फोर्थ पार्ट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड, एंड फिफ्थ पार्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट. तो मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे सोचोगे आप? इसको लिखेंगे, आपको सबसे पहले इनके चार्ज पता होना चाहिए. Mg+2 और क्लोराइड इज Cl-1. फिर आप इनके चार्जेस को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्या बन जाएगा? 1 Mg के नीचे आएगा, 2 Cl के नीचे आएगा, तो MgCl2. ठीक है, ये फर्स्ट वाला हो गया. देन सेकेंड वन इज कैल्शियम ऑक्साइड. दिव्या, कैल्शियम का चार्ज बताओ. अब मैं जिसे पूछूंगी मुझे वही आंसर करेगा. दिव्या, कैल्शियम का चार्ज बताओ. हाँ दिव्या, मुझे आपकी आवाज नहीं आई बेटा. चैट बॉक्स में लिख दो दिव्या, चैट बॉक्स में लिख दो. मैम सीसिंग 2 मैम. ओके 2, तो इट इज Ca+2. यस, एंड रचना, ऑक्सीजन का चार्ज बताओ फटाफट. हाँ -2, दोनों चार्जेस यस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल रेशियो इज कमिंग आउट टू बी CaO. देन कॉपर नाइट्रेट, तपस्या कॉपर पे चार्ज बताओ. चैट बॉक्स में लिख दो तपस्या, चैट बॉक्स में लिख दो. हाँ पूर्व बोलो. मैम 1. ओके, और कोई? कॉपर पे बच्चों दो तरह के चार्ज होते हैं, +1 भी होता है, +2 भी होता है. हाँ, तो आप दोनों में से कोई सा भी एक लिख सकते हैं.
ठीक है, प्लस टू जो है ज़्यादा कॉमन होता है, तो कॉपर प्लस टू, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है विच चार्ज इज़ मोर कॉमन, आप कोई भी एक चार्ज रख सकते हैं, कॉपर प्लस वन या प्लस टू। सपोज मैं यहाँ पे कॉपर प्लस टू रख रही हूँ, ओके, नाइट्रेट पे चार्ज, अभिषा नाइट्रेट का चार्ज बताओ, नाइट्रेट का चार्ज मैंने अभी ऊपर लिखा था, पॉलीएटॉमिक आयन में हमने ऊपर लिखा है, अभिषा फटाफट बताओ नाइट्रेट का चार्ज, जल्दी देखो ऊपर, मैं स्क्रॉल करती हूँ, ये दिख रहा है, ये रहा, NO3 पे कौन सा चार्ज दिख रहा है, माइनस वन दिख रहा है, तो NO3 माइनस वन, ठीक है, दोनों के चार्जेस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, कमिंग आउट टू बी Cu NO3 का होल ट्वाइस, एल्यूमिनियम क्लोराइड, हाँ रचना एल्यूमिनियम का चार्ज बताओ, रचना आप हैं यहाँ, एल्यूमिनियम का चार्ज बताओ फटाफट, वन प्लस वन जीरो, हाँ एल्यूमिनियम का चार्ज प्लस थ्री, Al प्लस थ्री, और क्लोराइड का भी बता दो रचना, Cl पर क्या कौन सा चार्ज, Cl पे कौन सा चार्ज, मैंने उस दिन बताया था तुम्हें याद करना है और उसका तरीका भी बताया था, Cl का चार्ज बताओ रचना, माइनस वन, चार्ज ऑफ क्लोराइड Cl, माइनस वन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, AlCl3, हाँ अगेन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम इज हैविंग प्लस टू, कार्बोनेट इज हैविंग माइनस टू, ठीक है, सिंपल रेशो में कट जाएंगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी CaCO3, ठीक है, तो ये फॉर्मूला मेकिंग हो गया। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, NCERT back exercise, give the names of the element present in the following compound, give the names of elements, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, in the compounds given, in the compounds given, compounds आपको given है, first compound is quicklime, ठीक है, एंड सेकेंड कंपाउंड इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इट इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एंड थर्ड कंपाउंड इज बेकिंग पाउडर, इसमें कुछ चीजें नाइन क्लास याद भी करनी पड़ेगी, है ना, बेकिंग पाउडर, एंड फोर्थ पार्ट इज पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, चलिए सबसे पहले क्विक लाइम पर आते हैं, क्विक लाइम का फॉर्मूला, अब ये बच्चों तुम्हें याद करना है, ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, ठीक है, तो क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, क्या नाम होगा इसका, केमिकल नेम बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, तो सी, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या बताना है, क्वेश्चन देख के बताओ, मुझे तो बताना है नेम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट, तो यानी एलिमेंट्स क्या क्या होंगे इसमें, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, है ना, कैल्शियम अलग है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, यस मैम, अच्छा नेक्स्ट हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मूला वुड बी, बताओ कौन बताएगा, मैम कैरेटन, यस HBr, HBr, so it contains hydrogen element and bromine element. हाँ, baking powder, baking powder जो हम घर में भी use करते हैं cakes बनाने में, बताओ, yes ma'am, उस पर भी लिखा होता है, हाँ, NaNaHCO3,
NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम होता है बेकिंग पाउडर का, ठीक है। इसका नाम लिख लो यहाँ पर, इसका नाम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसका नेम होता है बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इसका नेम होता है। और इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं? सोडियम है, सोडियम हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये चार एलिमेंट इसके अंदर है बेकिंग पाउडर में, ठीक है। देन पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला कोई और बताएगा मुझे? ध्रुव 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 चैट बॉक्स में लिख दो। Can I write in chat? नहीं, just a record, just a minute. तनीशा, तनीशा, पोटेशियम सल्फेट फटाफट बताओ फॉर्मूला। ओके ध्रुव, K2SO4, वेरी गुड, K2SO4, इट्स K2SO4, सो इट कंटेन्स पोटेशियम कॉमा सल्फर कॉमा ऑक्सीजन, दीज एलिमेंट्स, है ना? यस मैम, ठीक है। चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग, इसमें तुम सबको मजा आएगा। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग, बहुत सारे कंपाउंड गिवन हैं, फटाफट फटाफट कैलकुलेट करके मुझे बताना। पहले मैं पूरा क्वेश्चन लिख दूं फिर करते हैं कैलकुलेट। सो इट्स लाइक मैम आई हैव अ डाउट। हां बोलो मैम, ये ऑप्शन ए में लाइक इन अदर ऑप्शंस आल्सो इथाइन कॉमा C2H2 डाइन का फार्मूला है, इट इज सेम थिंग। हां इथाइन इज नेम एंड C2H2 इज फार्मूला, ठीक है। दे आर नॉट टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, दे आर अ सिंगल, ये सिंगल मॉलिक्यूल है। ओके मैम, यहाँ पे इनका नाम दिया है, इट्स सेकंड वन इज सल्फर मॉलिक्यूल, इट्स फॉर्मूला इज S8, थर्ड इज फॉस्फोरस, मॉलिक्यूल फॉर्मूला इज P4, फोर्थ वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मूला इज HCl, एंड द फिफ्थ वन इज नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला इज HNO3। यस, तो मैं वन बाय वन, अभिषा इथाइन मोलर मास बता दो, अभिषा फटाफट मोलर मास कैलकुलेट करो। तो C2H2 कार्बन का मास कितना होता है? कार्बन इज 12, कार्बन का मोलर मास इज 12, तो 2 कार्बन है, हाँ तो 2 × 12, 2 कार्बन के लिए 2 × 12 हो गया, प्लस हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1, एंड देयर इज 2 हाइड्रोजन एटम्स, तो 2 × 1 टोटल कितना आ जाएगा? 26, इट्स मोलर मास इज 26। सल्फर 8, S8, तो 8 टाइम्स सल्फर, 1 सल्फर इज हैविंग 32, 256 ग्राम्स, देन P4, 4 टाइम्स P, तो 4 × फास्फोरस इज 31, यस मैम, 31, कितना आ रहा है 31 × 4, इट्स कमिंग आउट टू बी 124 ग्राम्स, 124 ग्राम, हाँ बिल्कुल। अच्छा देन नेक्स्ट वन इज HCl, हाइड्रोजन इज 1 एंड क्लोरीन इज 35.5, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 36.5 मोलर मास। हाँ देन नाइट्रिक एसिड, इट इज HNO3, so hydrogen is 1
नाइट्रोजन इज 14. आज तुम लोग की आवाजें क्यों नहीं आ रही है नाइन क्लास? हाँ रिस्पॉन्ड करिए, बोलते रहो साथ में, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं होगा. ऑक्सीजन इज 16. ठीक है नाइन क्लास, मुझे सबकी आवाजें आनी चाहिए. हाँ तो इट इज 63 ग्राम. तो ये हो गया क्वेश्चन, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन इज, एक मिनट, व्हाट इज द मास ऑफ, व्हाट इज द मास ऑफ, फर्स्ट इज 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम. चलिए अब मोल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है एनसीईआरटी का. ठीक है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स. क्वेश्चन 2 इज 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स. इन्होंने एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास आपको दिया है क्वेश्चन में, एटॉमिक वेट ऑफ एल्यूमिनियम लिख के दिया है, इट इज 27. And the third part is 10 moles of Na2. नहीं अच्छा सोडियम सल्फाइड, एक मिनट में इसको जैसे बुक में लिखा है वैसे लिखती हूँ. इट इज सोडियम SuLPHITE सोडियम सल्फाइड, और फॉर्मूला इन्होंने दिया है Na2SO3. इसकी स्पेलिंग पर गौर करना, इट इज नॉट सल्फेट, PHATE सल्फेट होता है and it is sulfite, so it is SO3, Na2SO3. ठीक है ये तीन बताने हैं. चलिए इसके फर्स्ट पार्ट पर आते हैं. तो आंसर नंबर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम. देखो हमें क्या फाइंड करना है, मास, मास यानी कि वेट फाइंड करना है, और क्या दिया है मोल. तो मैंने आपको मोल के फॉर्मूला बताए थे, मोल का क्या फॉर्मूला लगाओगे, मोल का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन इट्स मोलर वेट. ठीक है मोलर वेट एटॉमिक वेट ही होता है, ये जो एटॉमिक वेट लिखा है ना यही मोलर वेट होता है. ठीक है तो ये आपने लिख लिया. अब आपको मोल है ना किसके लिए अप्लाई करना है, फॉर नाइट्रोजन एटम. यस मैम. है ना तो मोल आपको दे दिया, तो आप मोल की जगह लिख दोगे 1. और मास और वेट केमिस्ट्री में एक ही बात होती है, फिजिक्स में अलग होता है. मास और वेट का मतलब हाँ, तो यहाँ पे मैंने वेट लिख दिया, आप मास भी लिख सकते थे इसको. और नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 14 ग्राम होता है. तो यहाँ से वेट ऑफ नाइट्रोजन आ गया, वेट ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कितना हो जाएगा, 14 ग्राम्स. ठीक है फर्स्ट पार्ट. देन 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम, सेकेंड पार्ट पर आते हैं. Ma'am, it would be mass, like 1 mole of mass of aluminium atom is 27 gram. Then 4 mole of aluminium atoms will be 4 into 27. हाँ तो it is 4 और weight molar mass 27. बिल्कुल तो it's 27 into 4 कितना हो जाएगा, 27 into 4 108 grams of aluminium atoms. देखना बच्चों ये समझ में आ रहा है, सिंपल सा है. Yes, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक में. थर्ड पार्ट, चलो उधर जाओ उधर जाओ. हाँ अच्छा अब उधर चलो, मम्मा भी बच्चों को पढ़ाती आती है, खिला ले जल्दी जाओ. हाँ चलिए कंटिन्यू करते हैं. तो थर्ड पार्ट इज 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड दिया है ना. तो सेम फॉर्मूला लगा दीजिए, मोल इक्वल्स टू वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन इट्स मोलर वेट. ठीक है इट्स फॉर सोडियम सल्फाइड, सो Na2SO3. मोल कितना दिया है इसका, 10 मोल्स दिया है. वेट हैज़ टू बी फाइंड आउट.
मोलर मास Na2SO3, तो हम यहाँ निकाल देते हैं ज़रा, सोडियम इज 23, तो 2 इंटू 23 प्लस सल्फर इज 32 प्लस 3 इंटू 16, ठीक है, ये टोटल आ जाएगा। तो और इसको जब सम करेंगे कितना 126 आ रहा है, तो 10 इक्वल्स टू वेट बाय 126 और वेट आ जाएगा 1260 ग्राम्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। ये समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट इनटू मोल्स। कन्वर्ट इनटू मोल्स आपको दिया है, अब देखो फॉर्मूला से ये चीज बड़ा ही सिंपल हो जाएगा। 12 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस पहला आपको दिया है, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। सेकंड आपको दिया है 20 ग्राम्स ऑफ वाटर एंड थर्ड पार्ट इज 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा बच्चों एक और बात, इसमें इन्होंने स्पेलिंग लिख के दी है, ठीक है, ये जो फॉर्मुलेशंस हैं जिनको मैं एनसर्किल कर रही हूँ, वाटर इज H2O, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये फार्मूला तुम लोगों को आते हैं ना, इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ है ना, ये आने चाहिए। तो आपको वेट दिया है, मोल निकालना है, तो सिंपली फॉर्मूला लगा दीजिए, मोल इक्वल्स टू वेट बाई मोलर वेट, मोलर वेट को मैं एम वेट लिख देती हूँ यहाँ पे। तो मुझे कन्वर्ट इनटू मोल्स, मोल्स में कन्वर्ट करना है, ऑक्सीजन के लिए क्या लिखूँ, 12 ग्राम्स तो ऊपर लिख दोगे, ऑक्सीजन O2 इज 32 ग्राम्स, तो 12/32 हो गया, ठीक है, इट इज 3/8, 3/8 को सॉल्व कर लो कितना आ रहा है, 0.375 मोल्स आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, यस मैम, 20 ग्राम्स वाटर दिया है, तो मोल इक्वल्स टू वेट बाय मोलर वेट, ठीक है, मोल आपको फाइंड करना है, वेट कितना है वाटर का, 20 ग्राम वेट इज गिवन, और मोलर मास कितना होता है H2O का, H2O को निकाल लो, H2O, तो हाइड्रोजन इज 2, ऑक्सीजन इज 16, कितना आ जाएगा 18, तो 18, ठीक है, तो 20/18 यानी कि ये 10/9 यानी कि कितना आ जाएगा रफली 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1.11, ठीक है, यस मैम, गिवन। थर्ड पार्ट अगेन सेम फार्मूला, मोल इक्वल्स टू वेट बाय मोलर वेट, ठीक है, वेट इज 22 ग्राम्स, CO2 का मोलर मास, कार्बन इज 12, मैं ऊपर सॉल्व कर रही हूँ, प्लस 2 ऑक्सीजन 32, 44, ठीक है, इट इज कमिंग आउट टू बी 44 ग्राम्स, और ये आ गया आपका हाफ 0.5 मोल्स आ जाएगा, yes, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। व्हाट इज द मास, व्हाट इज द मास ऑफ, अब मैं तुम लोगों से पूछूंगी, ठीक है, 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड द सेकेंड पार्ट इज 0.5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। आज तुम लोग की आवाजें नहीं आ रही हैं, आई डाउट कि तुम लोग सो तो नहीं रहे हो, हाँ चलो तपस्या लिख दो, आंसर चैट बॉक्स में लिख दो। तनीशा, यस मैम, हाँ तनीशा, कैसे करोगी इसे? हम इसमें फॉर्मूला तो रहेगा, मोल इज इक्वल टू वेट इनटू मोलर वेट, ठीक है, देन वेट बाई मोलर वेट 0.2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 16 इंटू 2, ठीक है, वेरी गुड, 0.2 मोल दिया है, वेट तुम्हें फाइंड करना है। अच्छा ओ एटम है तो इट इज कमिंग आउट टू बी 16,
यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, O2 गैस नहीं है, ठीक है, तो 32 नहीं आएगा, खाली सिंगल ऑक्सीजन का मास आएगा, इसलिए 16। यहाँ पे इस जगह पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग वेट निकाल लेंगे, तो वेट कितना आ जाएगा, 16 × 0.2 आ जाएगा, ठीक है, दिस मच ग्राम्स आ गया, तो इट इज 3.2 ग्राम। ये फर्स्ट पार्ट, नहीं रुको रुको, मैं किसी से पूछती हूँ। हाँ रचना, Yes, बताओ फटाफट बताओ। आगे क्या दिया है? 0.5 × 8 वेरी गुड, तो इसका वेट आ जाएगा आपका 0.5 × 18, ठीक है, हाँ तो कितना आ गया, 18 × 5 = 99 ग्राम आ गया, 9 ग्राम आ गया, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर एटम्स सल्फर एसिड प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। कैलक्यूलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, देखो मॉलिक्यूल यानी फैमिली की बात हो रही है, किसकी, ऑफ एस एट, तो एस एट एक मॉलिक्यूल है, प्रेजेंट इन 16 ग्राम्स ऑफ सॉलिड सल्फर, यानी सल्फर का एक सैंपल है, सॉलिड सल्फर है, ठीक है, उसमें एस एट नाम की कितनी फैमिलीज हैं उसके बारे में आपको नंबर, नंबर यानी काउंटिंग निकालना है उसका, ठीक है, और गौर करना क्या क्या दिया है, नंबर यानी एन नॉट पूछा है, और वेट यानी मतलब ग्राम यानी वेट दिया है, तो फॉर्मूला देखो समझ में आ गया क्या, इसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वेट अपॉन मोलर वेट Equals to N naught by Avogadro. Weight is 16 gram. Sulfur 8. So 8 times sulfur ka 32 equals to N naught has to be find out. Avogadro is 6.022 × 10³. ठीक है? मैम हाँ बोलो. मैम mass molecular mass of sulfur 256 ग्राम आएगा. ये आ गया 256 ये रहा। हाँ, 16 को डिवाइड करेंगे ना 0.625 से, मोल निकल जाएगा उसमें, नंबर ऑफ मोल्स। नहीं तुम क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। मैम फर्स्ट वी विल टेक आउट द मॉलिक्यूलर मास व्हिच इज 256। ठीक है, वो आ गया 8 × 32। देन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स ये आ गया, वेट बाय मोलर वेट मोल्स आ गया। आगे 0.62 आ रहा है, 0.62 मोल्स। ठीक है, तो ये वाला नंबर आ जाएगा आपका 0.62। यस मैम, मैम देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 0.62 आ रहा है कि 0.062 आ रहा है? 0.062, हाँ 0.062 मोल्स आ गया। इनटू मल्टीप्लाई कर दिया, देखो एक जीरो की गड़बड़ क्यों लग रही है मुझे, मेरे पास जो आंसर है वो ये 3.76 × 10³³। मैम आई थिंक एक और नंबर ऐड होगा डेसिमल्स में, एक बार चेक कर लो तुम लोग अपनी कैलकुलेशन में, मेरे पास मैं अपना आंसर लिख रही हूँ जो मेरे पास है 3.76 × 10³³ नंबर ऑफ एस एट मॉलिक्यूल्स, ठीक है ये मेरे पास आंसर है। मैम वन थिंग, इन डिवीजन, डिवीजन में एक प्रॉब्लम हो गई थी, उसमें 0.062 के आगे भी एक नंबर ऐड हो रहा है।
नहीं वो तो चलो उससे कुछ नहीं, ठीक है आगे की जो थ्री डिजिट्स हैं बस ये अपीयर हो तो सफिशिएंट, उससे भी आ जाएगा है ना, उससे नहीं फोर आगे की डिजिट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थ्री डिजिट्स होनी चाहिए सफिशिएंट से, ठीक है एक बार वो कैलकुलेट करके देख लेना ये आना चाहिए तो 10 की पावर बताओ तुम अपनी 10 की पावर 22 यस मैम हाँ तो 22 वो सही है ना 0.376 × 10 की पावर 22 आए या तो ये वाला आंसर आए या ऊपर वाला एक ही तो बात है यस मैम है ना एक डेसिमल प्लेस का डिफरेंस हो गया ना हाँ तो ये एक ही बात है बच्चों इट इज सेम थिंग यस मैम ठीक है चलिए तो मैं कोई एक आंसर लिख देती हूँ ये वाला आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ठीक है तो चलो आज का इतना ही रखें 9th क्लास ठीक है एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज एक क्वेश्चन रह गया है 11 नंबर का बाकी सारी हो गई है और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं इसके एग्जाम्पल्स की प्रॉब्लम्स लूंगी ठीक है सेम चैप्टर के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के यस मैम ठीक है तो आज का इतना ही रखते हैं हम लोग और इसको एक बार रिवाइज करना कॉपी में लिख के करना सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी मैं कुछ असाइनमेंट्स और हैं तो वो अपलोड करूंगी तो आपको उनके करने ओके ठीक है